हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू स्क्रिप्ट के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष कहलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज मैं सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा था, ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और कुछ हमने जावा के बारे में फैक्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स जो हैं वो 100% फॉलो नहीं किए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है 90% फॉलो होते हो, 95% फॉलो होते हो, लेकिन 100% जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स जो है, ऊप के जो फीचर्स हैं वो जावा फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स जो हैं वो तो आपको पता ही है क्योंकि आपने C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी। ओके, तो जो हमने जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारे जो फीचर्स हैं जावा में ऑलरेडी फॉलो होते हैं क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट इसके अलावा कुछ और जो फीचर्स हैं, ओके, वो जो C++ में नहीं है या C प्रोग्रामिंग में नहीं है वो जावा में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो वो फीचर्स क्या हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो मेन जो फीचर्स हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं रखते हैं। जो मेन जो फीचर्स हैं, ओके, जिसके द्वारा जावा इंडिकेट होती है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि जावा बेसिकली के मेन फीचर्स उनके क्या हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जावा इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा इज़ पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब होता है ईजी टू कैरी, हम कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं। ओके, जावा इज़ सिक्योर्ड, जावा इज़ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज़ पोर्टेबल, इट्स मल्टी थ्रेडेड एंड कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये दोनों जो फीचर हैं, कंपाइल और इंटरप्रिटेशन, ये दोनों जावा में एक साथ फॉलो किए जाते हैं। जावा ना तो प्योरली कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है और ना ही प्योरली इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। जावा में कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं। पहले कंपाइलेशन होता है, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो फेज जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दीज आर द फीचर्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा हैज मेड द लाइफ इजियर बाय रिमूविंग ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज सच एज पॉइंटर्स। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, जो आपने C++ में परफॉर्म किया था वो यहाँ कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। जावा में पॉइंटर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा था तो जावा में ये फीचर बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स आपने C++ प्रोग्रामिंग में पढ़े थे वो जावा में नहीं है यहाँ पे। डेट्स वाई जावा मेक्स अ ईजियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जावा इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर है फ्रेंड्स, जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्या है फ्रेंड्स? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें पास में किसी भी प्लेटफॉर्म का मतलब है OS। ठीक है, डिपेंडेबिलिटी नहीं है। ओके, अब ये डिपेंडेबिलिटी हटी कैसे, ये मैं आपको इस डायग्राम से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास में एक जावा का प्रोग्राम है, कोई भी जावा का प्रोग्राम हो, आपको इसको किससे सेव करना है? .java से आपको सेव करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावा सी कमांड, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जावा जो कंपाइलर है फ्रेंड्स वो क्या करता है, हमारे जावा प्रोग्राम को क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है जिसका नाम होता है .class फाइल, और इसका नाम वही होगा जो हमने हमारा जो सोर्स कोड है जिसका नाम दिया था वही इस फाइल का नाम होगा। ठीक है, और इसी क्लास फाइल को अपन क्या कहते हैं? बाइट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट कोड। ठीक है, दिस इज द बाइट कोड। बाइट कोड इज नथिंग बट दी क्लास फाइल। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स बाइट कोड क्यों कहा, इसका नाम बाइट कोड क्यों पड़ा, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा सोर्स कोड है, क्लास फाइल जो बनी है, जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है एक बाइट में स्टोर होते हैं, मतलब बाइट बाय बाइट स्टोर होते हैं। डेट्स वाई इस पर्टिकुलर कोड का नाम क्या पड़ा? बाइट कोड। ठीक है, क्या नाम पड़ा है? बाइट कोड। जब आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब आपके पास में क्लास फाइल जनरेट होगी। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा? बाइट कोड कहा। ठीक है, अब ये जो बाइट कोड है फ्रेंड्स ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, हम इस पर्टिकुलर बाइट कोड को .class फाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके चला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट फेज क्या था? कंपाइलेशन। नेक्स्ट फेज क्या है? इंटरप्रिटेशन। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा बाइट कोड होगा उसको हम इंटरप्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ JVM, डेट इज जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो बाइट कोड है इसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। अब जो ये फ्रेंड्स JVM है, ध्यान रखिएगा, ये जो JVM की जो बात कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता है। JVM जो होता है फ्रेंड्स ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि विंडोज के लिए JVM अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि अगर इस बाइट कोड को रन करना है तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, उस पर्टिकुलर OS के लिए आपको JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए JVM इंस्टॉल नहीं किया तो ये बाइट कोड भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो JVM इंस्टॉल करने के बाद में वो कोड इंटरप्रेट होगा और जो रेस्पेक्टेड जो हमारा रिजल्ट है उस OS के अकॉर्डिंग वो हमें जनरेट होगा या आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो मैंने आपको पूरा जो प्रोसीजर बताया है, हमने लेट्स से ये जो प्रोग्राम जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया और इसको हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाया, ठीक है। एक ही प्रोग्राम को मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रन कर सकता हूँ। डेट्स वाई जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा होगा तो JVM जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये 100% नहीं कह सकते कि जावा जो है वो एक 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि JVM को क्या है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिपेंडेंट बना दिया है। हाँ, बाइट कोड जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको ले जाके रन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फ्रेंड्स सिक्योर्ड। जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रेंड्स। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो जावा को एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। लाइक यहाँ पे पॉइंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जावा जो का प्रोग्राम है फ्रेंड्स एक वर्चुअल मशीन के अंडर में जो है वो रन होता है, जावा मशीन सैंडबॉक्स। और भी कई सारे फीचर्स हैं लाइक क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, सिक्योरिटी मैनेजर। ये क्लास लोडर बेसिकली क्या है, which is used to load the Java class file into the Java virtual machine dynamically, ठीक है। It adds a security by separating the packages for the classes for the local file system from imported from network sources। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक जो काम हो रहा है कि पैकेजेस को सेपरेट करना, वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली जो है क्लास फाइल को लोड करना, ये सारा काम जो है कौन करता है, क्लास लोडर करता है। इसके अलावा बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर यहाँ पे क्या है, जो हमारा बाइट कोड बना था, जो डॉट क्लास फाइल बनी थी, उसको वेरीफाई करने का काम करता है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इलीगल कोड तो नहीं है। इलीगल कोड होगा तो उसको वेरीफाई ये नहीं करेगा, इसको वायलेट कर देगा, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजर, इट डिटरमाइंस व्हाट सिक्योरिटी रिसोर्सेज और कैन एक्सेस वेरीफायर लाइक रीडिंग और राइटिंग पर्पज, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, किसको रीड एक्सेस देना है, किसको राइट एक्सेस देना है। ये सारे जो फीचर्स है कौन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी मैनेजर प्रोवाइड करता है। तो ये जो फीचर्स है फ्रेंड्स ये एक जावा को सिक्योर लैंग्वेज बनाते हैं। लाइक नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ठीक है। जावा का जो प्रोग्राम होता है वर्चुअल मशीन सेटबॉक्स के अंदर रन होता है, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर एंड सिक्योरिटी मैनेजर। दीज आर द फीचर्स दैट मेक्स अ जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, जावा में स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जो गार्बेज कलेक्शन C और C++ में फ्रेंड्स जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। आपको अगर गार्बेज को डिलीट करना है, उसको रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो हमारे पास में जो डायनामिकली मेमोरी अलोकेट हुई है उसमें डिलीट करने के लिए आपको C प्रोग्रामिंग में फ्री फंक्शन यूज़ में लेना पड़ता है और C++ में डिलीट ऑपरेटर का यूज़ में लेना पड़ता है। डिलीट और न्यू एक ऑपरेटर है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट जावा में ये जो काम है फ्रेंड्स ये पूरा ऑटोमेटिक होता है, आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है। सो फ्रेंड्स यूजेस द स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। लेक ऑफ द पॉइंटर अवॉइड्स द सिक्योरिटी प्रॉब्लम बिकॉज वी कैन नॉट टेक द एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ये भी दूर हो जाती है। देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन which runs on the Java virtual machine to get rid of the objects which are not being used by Java application anymore. ऐसे particular objects जो use में नहीं आ रहे हैं उनको क्या कर देगा, ये delete कर देगा. ठीक है. There are exception handling and type checking mechanism in Java. ठीक है. Type checking का जो mechanism है वो C या C++ में follow नहीं होता है, but Java में strong type checking ठीक है वो परफॉर्म की जाती है. ओके okay? और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट जो आपने C++ प्रोग्रामिंग में पढ़ा था बट वो यहाँ पर भी है, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा कीवर्ड के साथ में. तो हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पर ऐड हुआ है वो कौन कौन से हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दीज आर द फीचर्स दैट मेक्स जावा रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट है पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब होता है कि हम बाइट कोड को कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ईजी टू कैरी, कहीं भी वो रनेबल हो सकता है. ठीक है. देन मल्टी थ्रेडेड इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ. मल्टी थ्रेडेड में एक वर्ड छुपा है, थ्रेड. ये थ्रेड क्या होता है? थ्रेड, जैसा कि मैं एग्जांपल दूं, रियल एग्जांपल देता हूँ आपको. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं. ठीक है. तो आप देखते होंगे कि जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, वर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो साइड है, राइट हैंड साइड, यहाँ पर क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देखते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि वर्ड काउंट होता रहता है, लाइन काउंट होती रहती है. जो आप लिखते हैं वो लाइन काउंट होती रहती है, वर्ड काउंट होता रहता है. ठीक है. आप जो नेक्स्ट लेट से पेज स्मॉल लार्ज करते हैं तो उसमें परसेंटेज जूम इन जूम आउट होता रहता है, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होते रहते हैं यहाँ पे, है ना. तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक प्रोग्राम हमारा वर्ड चल रहा है, उसके बैकएंड पर एक और प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो हमारे मेन प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक हम कुछ भी टाइम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है जो वर्ड काउंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है जो लाइन काउंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, जूम इन जूम आउट का. ठीक है. एक प्रोग्राम ये है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस पर्टिकुलर वर्ड फाइल में, वो काउंट कर रहा है. तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे हैं एक मेन प्रोग्राम के पीछे. इन्हीं सब मेन प्रोग्राम्स को क्या कहा है हमने, थ्रेड्स. क्या कहा है फ्रेंड्स, थ्रेड्स. तो ऐसे जो मल्टी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, मल्टी थ्रेड्स जो रन हो रहे हैं, इनको ही कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग. जावा में एक स्ट्रॉन्ग फीचर है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का, यहाँ पे आप मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो C++ में नहीं था. ठीक है. सो द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इज दैट डजंट ऑक्यूपाई द मेमोरी फॉर ईच थ्रेड. हर थ्रेड को जो है मेमोरी ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है. थ्रेड जो है दे शेयर द कॉमन मेमोरी एरिया. प्रोग्राम को सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी लेकिन थ्रेड जो है आपस में मेमोरी शेयर कर लेंगे. ठीक है. इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट द मल्टी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली देन वी यूज द मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर. अगर हमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट अगर हमें करना है तो फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे. ठीक है. सो लाइक एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, मल्टीमीडिया, वेब एप्लीकेशन. ठीक है. ऐसा जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको, वहाँ पे सारे जो कंसेप्ट है ये बेसिकली मल्टी थ्रेडेड से ही अचीव किए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर. अभी हमने देखा था फ्रेंड्स, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो उसमें मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था कि पहला जो फेस होता है वो क्या होता है, कंपाइलेशन, और जो दूसरा फेज होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब ये है कि जावा में दोनों ही कंपाइल और इंटरप्रिट दोनों होता है. एक जावा का कोड, ठीक है, एप्लीकेशन कोड या जो हमारा फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड बनने के लिए उसका कंपाइलेशन भी होता है और उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है. फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है कंपाइलेशन, उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. और भी कई सारे फीचर्स है फ्रेंड्स, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ऐसे कई सारे फीचर्स है जो जावा फॉलो की जाती है. ठीक है. बट जो मेन जो फीचर्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. ओके. और आपको ये फीचर्स समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स, इनकी टर्म्स जो है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे रोबस्ट का मतलब क्या है, जावा सिक्योर क्यों है. ठीक है. जावा में प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन होता है या कंपाइलेशन होता है, इन सारे सवालों के जवाब हमने आज की इस वीडियो में देखे. ओके. सो फ्रेंड्स, आई थिंक इस वीडियो से आपको जो है हमारा आज का जो वीडियो है like features of Java programming language ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।